नमस्कार बच्चों, आज हम आप लोगों को ओमीय पर्वत और अनओमीय पर्वत, ये दोनों पर्वत के बारे में बताएंगे। तो बहुत सिंपल से होते हैं पर्वत। ओमीय पर्वत ऐसे पर्वत होते हैं जो ओम के नियम का पालन करते हैं। जो पर्वत ओम के नियम का पालन करते हैं वो कहलाते हैं ओमीय पर्वत। और ऐसे पर्वत जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं वो पर्वत कहलाते हैं अनओमीय पर्वत। तो ये तो थी इसकी डेफिनेशन। जो पर्वत ओम के नियम का पालन करते हैं वे पर्वत ओमीय पर्वत कहलाते हैं, और जो पर्वत ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं वो पर्वत अनओमीय पर्वत कहलाते हैं। अब ओम का नियम क्या होता है ये तो आप लोग जानते हैं। ओम का नियम में क्या होता है, भी अपॉन आई बराबर नियतम, यानी किसी तार के स्रोत पर विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा का अनुपात अगर नियत आता है तो वो पर्वत ओम के नियम का पालन करेगा। और अगर किसी पर्वत के स्रोत पर लगाया गया विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियतांक नहीं आए तो हम कह सकते हैं कि वो पर्वत ओम के नियम का पालन नहीं कर रहा है। तो ओमीय पर्वत, जैसे ओमीय पर्वत में हो सकता है तार हो सकता है कोई धातु का अगर तार है या कोई टॉर्च का बल्ब है, ये सारे जो होते हैं, धातु का कोई तार है, कोई एंगस्ट्रम का कोई तार है, तो ये ओमीय पर्वत कहलाएंगे। टॉर्च का बल्ब ओमीय नहीं होगा। टॉर्च का बल्ब है, डायोड है, ट्रांजिस्टर है, ट्रायोड बल्ब है, ये सारे जो होते हैं वो अनओमीय पर्वत कहलाते हैं। तो अब कैसे पहचानेंगे कि पर्वत ओमीय है अनओमीय है? तो आपके पास जैसे मान लो सवाल दे दिया जाए, उसमें कई सारे भी के मान दिए जाएंगे, मान लो 200 वोल्ट 200 वोल्ट 300 वोल्ट, और आई के मान दिए जाएंगे कई सारे। अब कहा जाएगा बताइए कि ये पर्वत ओमीय है या ये पर्वत अनओमीय है। तो आप क्या करोगे, प्रत्येक बार मान लो 100 दिया गया, यहाँ धारा दे दी गई 5 एम्पियर, यहाँ विमानतर 200 दे दिया गया है, यहाँ धारा दे दी गई 10 एम्पियर, यहाँ 300 दे दिया गया है विमानतर, तो धारा दे दी गई है 5 एम्पियर। तो प्रत्येक बार यहाँ से भी अपन आई का मान निकालेंगे। तो जैसे 100/5 किया 20 आ गया, फिर हमने फिर से भी अपॉन आई का मान निकाला तो 200/10 किया फिर 20 आ गया, फिर हमने 300/15 किया फिर 20 आ गया। तो प्रत्येक बार भी अपॉन आई का मान निकालेंगे। अगर प्रत्येक बार भी अपॉन आई का मान समान आता है अर्थात नियत आता है तो हम कह सकते हैं कि वो पर्वत ओमीय पर्वत है, क्योंकि वह ओम के नियम का पालन कर रहा है। इसी तरह से जैसे यहाँ भी अपॉन आई का मान निकाला, प्रत्येक बार अगर समान नहीं आए तो हम कह सकते हैं कि भी अपॉन आई का मान नियतांक नहीं है, अर्थात वह पर्वत ओम के नियम का पालन नहीं करता है, तो वह हो जाएगा अनओमीय पर्वत। इसके बाद ओमीय और अनओमीय पर्वत के बाद हम यहाँ पर समझेंगे गत्यात्मक प्रतिरोध। गत्यात्मक प्रतिरोध क्या होता है इसके बारे में भी जानेंगे। तो गत्यात्मक प्रतिरोध क्या होता है, अगर कोई अनओमीय पर्वत है, ओमीय पर्वत में तो वैद्युत प्रतिरोध होता है, ओम के नियम से ही निकल के आया है, लेकिन अगर कोई अनओमीय पर्वत है तो उसके छोटे से खंड का प्रतिरोध लिया जाता है। तो उसके क्या किया जाता है, वही कोई बहुत छोटा सा खंड ले लें और उस खंड के विभवांतर में परिवर्तन कर दें। तो विभवांतर को भी से लिखते हैं, विभवांतर में होने वाला परिवर्तन यानी डेल्टा भी। जब किसी खंड के विभवांतर में परिवर्तन करोगे तो उसके कारण उसकी धारा में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो उसमें बहने वाली धारा में भी क्या होगा, सूक्ष्म परिवर्तन होगा। इसका जो अनुपात होगा वही अनुपात उसका कहलाता है गत्यात्मक प्रतिरोध, जिसे आर जी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ समझ में आया होगा गत्यात्मक प्रतिरोध। गत्यात्मक प्रतिरोध अनओमीय पर्वत के लिए होता है। किसी अनओमीय पर्वत के किसी छोटे से खंड में, कोई खंड में के विभवांतर में होने वाला सूक्ष्म परिवर्तन, कोई छोटा सा खंड ले लें, उस खंड के विभवांतर में सूक्ष्म परिवर्तन कर दें और उसके कारण उसमें जो धारा बह रही है उस धारा में होने वाला सूक्ष्म परिवर्तन का अनुपात उस पर्वत का गत्यात्मक प्रतिरोध कहलाता है। मात्रक वोल्ट पर एम्पियर होगा, इसलिए मात्रक सीधा कह सकते हैं ओम ही होगा, वोल्ट पर एम्पियर या फिर ओम।